बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझे कि आप चीज़ों में कैसे फोकस करते हैं, राइट? मैं तो बहुत गहरा लेवल पे जाके फोकस करता हूँ। घर से भी दूर रहता हूँ, क्योंकि अब मालूम है घर पे मेरा छोटा बेटा है और हमेशा कोई ना आके, घर पे मेरा ऑफिस जैसे है लेकिन फिर भी आके कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते रहेगा, तो मैं इसके लिए घर से भी दूर निकला हूँ। मैं इतना फोकस करने पे लगा हूँ, मेरा काम करने के लिए, राइट? फोकस कैसे करना है? फोकस कैसे करना है? तो सिर्फ फोकस अब करते करते हो डिस्ट्रैक्ट होते जा रहे हो, तो अभी देखना है कि फोकस में नहीं करना है लेकिन क्या आपको डिस्टर्ब कर रहा है ना, उसके ऊपर ध्यान देना है। तो तुरंत आपको एक लिस्ट बनाना है कि आपने पूरा दिन क्या क्या कर रहे हो, राइट, और क्या क्या डिस्टर्बेंस हो रहा है, ये चीज़ आपको उसमें तय करना है। इसमें क्या होगा, पता चलेगा कि अपना डिस्टर्बेंस किधर किधर हो रहा है और फिर उसको कैसे हम लोग क्लियर कर सकते हैं वो आप निकाल सकते हैं। मैं जनरली कर दिया, जब भी आप लोग बाद में पता चलता है कि YouTube में गया बस चालू हो गया, Facebook में गया उसके अंदर चालू हो गया, यू नो इसके अंदर ये वीडियो, क्योंकि Facebook वीडियो ये लोग सब ऐसा बनाया है ताकि एक बार हम लोग अंदर गए कभी घुस के बाहर नहीं आ जाए। ऐसा TV भी देख रहे हैं, मुझे पता नहीं, मैं TV देखे सालों हो गया तो मुझे आइडिया नहीं है। कोई कोई पहले TV देखता है, चैनल चेंज करते करते कोई अच्छा आ गया, कोई मीडिया आ गया, कोई नगाना आ गया, कोई आपकी फेवरेट आ गया, बस घुस गया उसके अंदर, शाम पूरा चला गया। पुअर पीपल विल सी दी TVs, ओके, ट्राई टू कम ऑन TV, डोंट वॉच योर TV, राइट? इन लोगों से इतना पैसा क्यों मिलता है बोलो, हीरो हीरोइन स्टार्स को इतना पैसा क्यों मिलता है? लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, मतलब उनको हंसाना वाला, उनको अच्छा फील देने वाला, उनको अच्छा मूवीज देने वाला चाहिए। कोई अपना डेवलपमेंट किसके बारे में, कोई नेट में जाके ढूंढता नहीं है, कोई जाके मूवी में वो नहीं ढूंढता है, वो सिर्फ अपने को एंजॉयमेंट चाहिए। जब आप लोग एंजॉयमेंट के लिए जाते हो तो एंजॉयमेंट करने वाले को पैसा बहुत मिलता है, क्योंकि करोड़ों करोड़ों लोग एंजॉयमेंट के पीछे भागते हैं और एंजॉयमेंट देने वाले पैसा कमाते हैं, राइट? तो आपको भी उसमें देखना है। एनीवे, इट इज़ योर चॉइस, बट वन थिंग इज, जब डिस्ट्रैक्शन होता है मेक श्योर कि आप क्या क्या डिस्ट्रैक्शन में जाता है उसको पकड़ो, वो कैच करो कि क्या क्या मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, उसको आप क्लियर करो, यही हो जाएगा, राइट? और दूसरी बात, जब भी आप प्रोजेक्ट करते हो, कुछ काम करने के लिए जाते हो, एक चीज़ डिसाइड करो, मोबाइल, यू नो, जो हमारा अच्छा भी है बुरा भी है, हम लोग मोबाइल को यूज़ करते हैं लेकिन बाद में मोबाइल हमको यूज़ करता है। एक बार घुस गया बस वो अपने को छोड़ेगा नहीं, राइट? आपको गवाएगा, घुमाएगा, फैमिली से दूर लेके जाएगा, सब कुछ करेगा, कौन मोबाइल करेगा अपने साथ, राइट? सो बेटर अंडरस्टैंड, आप उसको यूज़ करो, उसको यूज़ करने मत दो, करेक्ट? टू, अंदर जाते हैं, ग्रुप, ये ग्रुप, वो ग्रुप, फालतू ग्रुप, सब ग्रुप से बाहर आ जाओ, क्योंकि दिमाग में नॉलेज डालते 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 आपका दिमाग ख़राब कर देंगे, बेटर है आप इससे दूर जाओ। मैं बहुत सारे फ्रेंड्स ग्रुप से थैंक सॉरी बोला हूँ और मैं बाहर आया हूँ, क्योंकि मुझे कुछ फोकस करना है, मैं नहीं हूँ। और फालतू मैसेज, फॉरवर्ड मैसेज, मोटिवेशन मैसेज मुझे कोई भेजता है, मैं बोला मेरे पास ऑलरेडी सेट है, मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, और भी नॉलेज मोटिवेशन मैसेज मुझे मत दो, क्योंकि मुझे वो सेट में ही काम करना है। और किस तरह का मैसेज सेट, किस तरह का मेंटर में काम करना है, मैं उसका अलग वीडियो बनाता हूँ, लेकिन ये इतना है कि कोई डिस्टर्ब होने मत दो, राइट? और तीसरी चीज़, मोबाइल में जाके जितना भी नोटिफिकेशन है ना, जब भी मोबाइल निकालते हो, अरे 4 मैसेज व्हाट्सएप में आया है, अरे 3 मैसेज, अरे 22 लाइक्स यूट्यूब में, कौन क्या देख, फेसबुक में कौन, ये सब चक्कर में मत पड़ो। मेरा मोबाइल निकालता हूँ, सब ब्लैंक है, एक भी नोटिफिकेशन, बैंक का मैसेज, ये मैसेज, कुछ नहीं पता चलता है। जब मैं चाहूँ तभी जाके उसको ओपन करता हूँ और तभी मुझे पता चलेगा इसके अंदर कितना मैसेज है, कितना अर्जेंट हो, कुछ भी हो, मुझे कोई आइडिया नहीं, राइट? सिंपल, सबको पता है कि हाँ कभी 2-2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा कभी मोबाइल देखता नहीं हूँ मैं, जब फ्री होगा तभी देखता हूँ, तभी रिप्लाई करूँगा। जैसे अभी आदत बनाते हो, लोगों को समझ में आ जाएगा कि आप इसमें, आप इस तरह का हो, उनको समझ में आ जाएगा, राइट? ये होगा नोटिफिकेशन, सब आपको ये सब चीज़ में दूर करना है, दैट इज़ नंबर वन। फिर एक आएगा कि ग्रुप, जितना ग्रुप है इसमें सब फॉरवर्ड मैसेज दूर आने का, ये सब चीज़ सबको करना है। देन हम लोग करते हैं कि मॉर्निंग, राइट? जैसे ओके, मॉर्निंग मैसेज क्या करना, राइट? मॉर्निंग आपको क्या करना है रूटीन में, जब भी सुबह एक बार आप उठते हो, राइट? तुरंत मोबाइल देखने का नहीं, मोबाइल को घर से बाहर रखना है,
सॉरी मोबाइल को आपकी बेडरूम से बाहर रखना है ताकि आपको कोई जाके सुबह डिस्टर्ब करना है, या इसको आदत बनाओ अच्छा होगा। रूम में जाके सिर्फ सोने का या बुक पढ़ सकते हो, राइट, मोबाइल बाहर, या रात को सोने के टाइम पे ऐसे पड़ा कटारे के ऊपर देखते हैं ना, आपको उठने भी नहीं देते तभी आप मोबाइल देखने चले जाओ। सो बेटर बी अवॉइड दैट मोबाइल। सुबह उठ के मेल चेक करना, व्हाट्सएप मैसेज देख करना, 4 बजे 5 बजे व्हाट्सएप में फेसबुक में रिप्लाई करना, ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। इंस्टाग्राम ये सब फॉलो क्या है, अनलेस एंटल अगर आपका धंधा हो तो अलग बात है, राइट, आप उसमें बिजनेस करते हो अलग बात है, लेकिन आपको एंजॉयमेंट के लिए, लोग के साथ क्या चल रहा है, नॉलेज के लिए, ये सब चीज़ आपको करना नहीं चाहिए, बिकॉज दिस विल डिस्ट्रैक्ट यू। सेकेंड, आप वो चीज़ में डिस्ट्रैक्ट मत करो कि कुकिंग करना है। देखिए सबका अपना अपना लाइफ स्टाइल के ऊपर है या फिर कैपेसिटी के ऊपर है, अगर आप कुक रख सकते हो कुक रखिएगा, अगर क्लीनिंग करने के लिए कोई अलग है तो करना चाहिए, क्योंकि आप अगर ये बहुत सारे डिस्टर्बेंस करते रहेंगे ना आपका काम नहीं होगा। हाँ, लेकिन नीट एंड क्लीन होना जरूरी है तभी आपका माइंड फोकस रहेगा, पूरा कचरा डाल के उसके ऊपर फोकस रह के काम नहीं कर सकते, तो उसके ऊपर आपको फोकस करना है, ठीक है, दैट्स वन। और लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट वन, हमें ऐसा ड्रेस पहनना चाहिए जिसमें भी डिस्टर्ब ना हो, राइट। आप अगर 15-20 करोड़ का प्रॉपर्टी ले रहे हो या फिर कंपनी साइन अप कर रहे हो या कुछ ले रहे हो, उसका जितना दिमाग लगता ना उतना ही दिमाग आप कौन सा ड्रेस पहनते हो उसके ऊपर भी उतना ही टेंशन माइंड लेगा। माइंड को ये पता नहीं कि वो 15 करोड़ का है या फिर एक ड्रेस का है, उसके लिए टेंशन एक ही है। तो आपको क्या करना है, हमेशा कोशिश करो कि ज़्यादा ये सब ड्रेस के चक्कर में नहीं पड़े, राइट। मैं एक ही कलर का ग्रे शर्ट आपको आपने देखा होगा 15-20 लेके आ रहा हूँ, जब भी चाहिए धोने का नहीं, दो जो गल मेला है जो धोया है दोनों फ़र्क, बाकी कुछ कलर फ़र्क नहीं होता है। रेगुलर उठ के वो पहने का, बस चलने का वही पहने का, चलने का ऐसे ही करेंगे क्या ना, अभी उसका जो दिमाग उसमें लगना रहता ना, ये टी शर्ट के साथ, ये जीन्स के साथ, ये कॉम्बिनेशन साथ कैसे होगा, तो दैट विल स्पॉइल यू, ठीक है। तो ये एक कारण हो सकता है। जितना माइंड को ऑप्शन ज़्यादा मत दो, सिर्फ आपके काम पे, आपकी फोकस में, आपकी प्रोजेक्ट, आपका स्टडीज जो भी है उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। इसके ऊपर सब नहीं करेंगे तो आई थिंक दैट विल बी अ गुड फोकस। होप ये फोकस का वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।